नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बहुत ही उपयोगी संस्कृत मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका डे टू डे लाइफ में आप यूज करके बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो मंत्र है, ये है हाथों के दर्शन करते हुए मंत्र। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हो सकता है आप इसका पहले भी उपयोग करते हो, इस मंत्र का अगर नहीं करते तो जरूर करें। बहुत ही प्यारा मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। आपने अगर रामायण में देखा हो तो भगवान श्री राम भी उठकर इसी प्रकार अपने इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। तो मेरे हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का वास है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, और मध्य भाग में विद्यादात्री माँ सरस्वती का वास है। कर मूले तु गोविंद, अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि कर के मूल में, बीच में आपका वास है, और प्रभाते इसलिए मैं अपने हाथों के दर्शन करता हूँ। इसका मतलब समझ लीजिए, मकसद यह है कि अपना हाथ जगन्नाथ, पावरफुल, अपने हाथ की पावर पर भरोसा किया जा रहा है। और हाथों के दर्शन करने का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अपनी ताकत पर, अपने इरादों पर भरोसा है। इन हाथों से जब मैं कोई काम करूंगा तो माँ लक्ष्मी का वास अपने आप होगा, माँ सरस्वती मेरे पास अपने आप आएगी, और परमात्मा भगवान जो है मेरे पास जरूर आएंगे। ये सिंपल सी, बेसिक सी इसमें भाव है। इसी प्रकार दूसरा जो मंत्र है वो है स्नान से पहले किया जाने वाला मंत्र, बिफोर टेकिंग बाथ। तो इस मंत्र में हम सभी पवित्र नदियों को इनवाइट करते हैं अपने घर पे। तो इसमें हम अपने पानी में इनवाइट करते हैं, हम कहते हैं ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, आप सभी तीर्थ मेरे पानी में आइए, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरे इस पानी को जल बनाइए ताकि इसमें स्नान करके मैं अपने पापों का विनाश कर सकूं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इस फिलॉसफी के पीछे बेस ये है कि नहाने जैसा सिंपलेस्ट काम भी दिव्य हो सकता है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसको भाव समझिए बस, कि ये दिव्यता इसके पीछे, हर काम के अंदर अगर हम इसी प्रकार जागते जाएं, उसके पीछे के बेस को समझते जाएं, तो आप पाएंगे उस काम के अंदर एक दिव्यता आने लगती है और अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, और आप इसको बहुत ही अच्छे लेवल पर इसका अनुभव कर पाएंगे। इसी प्रकार एक और मंत्र जिसका उच्चारण बहुत कॉमनली किया जाता है, ये किसी भी अपवित्र अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब किसी भी अपवित्र अवस्था का मतलब यह है कि शारीरिक अपवित्रता के केस में भी अगर कोई ऐसा काम करना पड़े जहां पर आपको पॉजिटिविटी की जरूरत हो, क्योंकि शारीरिक रूप में आप हो सकता है टॉयलेट में भी बैठे हो, बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन मन कहां है? तो ये अपवित्र को पवित्र करने वाला मंत्र है। किसी भी अवस्था में आप कहीं पर भी, ये सिर्फ उदाहरण मैंने दिया आपको, इसका मतलब है कि कहीं पर भी आप बैठकर अपने आप को आत्मिक लेवल पर पवित्र कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि परमात्मा के नाम का स्मरण करने से आप आत्मिक लेवल पर पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यत् समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि। इसका सिंपल सा मतलब है, कोई मनुष्य जो पवित्र हो या अपवित्र हो या किसी भी स्थिति में प्राप्त क्यों ना हो, जो भी भगवान पुंडरीकाक्षी, उदाहरण दिया जा रहा है, भगवान पुंडरीकाक्ष का मतलब ये भगवान श्री विष्णु जी के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन आप ये अपने बारे में भी समझ सकते हैं, कि अपने इष्ट के बारे में समझ सकते हैं, कि जिस भी इष्ट को आप जैसे भी स्मरण करेंगे वो बाहर से और अंतर से पवित्र हो ही जाएगा। भगवान पुंडरीकाक्ष यानी आपके जो इष्ट हैं वो आपको पवित्रता देंगे। इसका सिंपल सा अर्थ ये है, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। मतलब आप इसके पीछे की जो फीलिंग्स है वो समझिए, कि हर अवस्था में जब जब जहां जहां आप परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं वहां वहां आप पवित्र हैं। एक और बड़ा ही खूबसूरत मंत्र है, शायद आप अगर जानते हैं, अगर इससे परिचित हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो हो जाइए। ये मंत्र है पृथ्वी पर अपने पैर रखते हुए। आप ऊंचाई देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की ऊंचाई देखिए, उनकी समझ कितनी ऊंची जा रही है, कि हम माँ पृथ्वी को अपने पैरों से स्पर्श करने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मेव।
इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हे समुद्र में निवास करने वाली माँ, बात हो रही है माँ लक्ष्मी, माँ पृथ्वी देवी की। तो माँ पृथ्वी देवी को बड़े आदर और प्रेम से, रिस्पेक्ट से टच करने जा रहे हैं। देखिए, धरती पर पैर रखना हमें लगता है बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कौन सा क्या फर्क पड़ जाएगा, इसमें पवित्रता वाली क्या बात है, इसमें इसमें भगवत्ता क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी है, इस बात से तो स्पेशलिटी दिखती है। हे समुद्र में निवास करने वाली माँ, पर्वत मंडल के समान जिनके स्तन हैं, और अर्थात पर्वत मंडल जिनके स्तन स्वरूप हैं, जो भगवान विष्णु जी की पत्नी है, आप मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं आप अपने पैरों से आपको स्पर्श करने जा रहा हूं। आप माँ को, पृथ्वी को माँ बोलते हो ना, माँ को स्पर्श करने जा रहे हो पैरों से, तो बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करते हो। खूबसूरती देखिए, मंत्र के पीछे का जो रहस्य है वो कितनी बड़ी बात है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, आप सुबह उठते ही ये वाला मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। इसी प्रकार एक मंत्र जो है वो सभी को जो जपना ही चाहिए, हमेशा ये कहना चाहिए, सभी का कल्याण मांगना, सोते जागते उठते बैठते सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान, हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दीजिए। हाउ ब्यूटीफुल! आप पीछे का रहस्य देखिए, सबके लिए कल्याण भावना, जिसके मन में, मैंने एंजल से पूछा और जो मुझे जवाब आया एंजल से कि ये एकमात्र इस मंत्र के अंदर इतना बड़ा रहस्य समाया है कि जो व्यक्ति अगर इस मंत्र का उच्चारण करता है, इसका मतलब है कि सबका कल्याण मांगता है, उसका कल्याण अवश्यम भावी है, होगा ही होगा। और सबके कल्याण की भावना जो करता है, उसका अपना कल्याण तो निहित ही है। तो आपको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरा भी कल्याण कर लेना। तो आप सबके लिए मांग रहे हो, और यही आपको एंजल बनाता है, यही आपको देवता बनाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है ये मंत्र, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे लगे होंगे, इनको डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करें। और अब अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।